हर्ष कटारिया। हर्ष कटारिया है, हर्ष कटारिया के साथ जो बोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान हो के मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते इस समय। तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ। पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। जिनको आप देख रहे हैं ये भोले हैं, लेकिन इन भोले के बीच भेदभाव नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक भोले हिंदू हैं, दूसरे मुसलमान हैं, क्या आप इन्हें देखकर पहचान सकते हैं? न जाने भेदभाव और इस तरह के नियम क्यों लाए जाते हैं। जिन भोले के साथ मैं चल रहा हूँ, जरा अपना नाम बताइए। हर्ष कटारिया। ये हर्ष कटारिया है, हर्ष कटारिया के साथ जो भोले हैं वो सलमान। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मोहम्मद सलमान। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली। ये हर्ष कटारिया हैं, ये मोहम्मद सलमान हैं, दिल्ली से चले हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। आपने एक आदेश सुना होगा कि खाने पीने वाले जो लोग हैं, चाहिए यहाँ रुक जाइए, हम थोड़ी देर आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मोहम्मद सलमान की कांवड़ है, 6 गगरी है, जल लेकर के निकले हैं। सलमान इसको चढ़ाएंगे कहाँ? मंदिर। आप मंदिर जाते हैं? है? आपके समाज के लोग, घर के लोग या दूसरे लोग आपत्ति नहीं करते कि आप मुसलमान हो के मंदिर क्यों जाते हैं? मेरे घर वाले कुछ नहीं जाते। जाते हैं मंदिर? हर्ष, आपके समाज के लोग नहीं कहते कि ये मुसलमान हो के मंदिर क्यों जाते हैं? मैं इसके साथ मस्जिद जाता हूँ। आप मस्जिद भी जाते हैं? जी। ऐसा नहीं लगता कि अगर मुसलमान आपका कांवड़ छुएगा कांवड़ खंडित हो जाएगी? नहीं, पूरे नियम धर्म का हमारे पालन कर रहा है, ऐसे कैसे करेगा? क्या क्या नियम पालन करते हैं धर्म का? जितना कुछ था सब कुछ करा है पालन। जैसे? जैसे कि नहाना धोना कांवड़ उठाने से पहले। सामने नहा धो के कांवड़ उठाई हमने, और जैसे कुछ भी करते हैं हम गलत, जैसे खाना वाना खाया या नींद ली, तो फिर उठते हैं जब कुल्ला वुल्ला करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद ही करते हैं। और प्याज, इतने सालों से ये हर्ष और सलमान एक साथ आ जा रहे हैं, ये पहला साल है? पहले भी जाते थे? नहीं, पहले भी आए हैं, लेकिन पहले साथ में नहीं आए, पहले अलग अलग। अभी एक आदेश निकला था सरकारी मुजफ्फरनगर में, उत्तराखंड में, कि ढाबे पे अगर आप खाना वाना खाने जाते हैं तो उन ढाबों के लोग जो है वो नाम बताएं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अपनी पहचान जाहिर करें। आप लोगों ने खाने में कभी भेदभाव किया है ढाबे पे? खाने खूने में कभी करा ही नहीं भेदभाव। कभी ये देखा है कि हिंदू का ढाबा हो तभी जाएंगे? नहीं नहीं। ये इस समय तो ये हर्ष तो प्याज लहसुन नहीं खाते इस समय? तो मैं भी कौन सा खा रहा हूँ अपने भाई के साथ? नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हैं, उन्होंने पहले पूछ लेते हैं, आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते? अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं? होटल वाले क्या कहते हैं, वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना बनता है? जिसका अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा। और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करेगा। पर्वों में भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर दिखाई देती है। हर्ष और सलमान बाबा भोले की कांवड़ लेके निकले हैं। अब ना ये हर्ष है ना ये सलमान है, ये सारे भोले हैं। तो बस भोलेनाथ की महिमा देखते जाए, हिंदुस्तान में सियासत चलती रहेगी, भारत यूं ही आगे चलता रहेगा। जय।